तो दोस्तों, आप सभी को और एक फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। मैं अभी नया बाज़ार सेक्टर 21 आया हूं, जो कि राउकला में पड़ता है। ये जगह आपका आईजी पार्क ट्रैफिक चौक के पास पड़ता है, जो कि थोड़ा अंदर तरफ है। आपको जो पीछे में है, ये है आपका होम्योपैथिक कॉलेज नया बाज़ार। आपको कुछ हिंस मिल गया होगा। लास्ट ब्लॉग में आपको मैं बताया था कि मैं वैक्सीन लेने वाला हूँ, तो मैं आज सेकेंड डोज वैक्सीन लेने आया हूँ। इसके लिए मैं प्रिकॉशन के साथ आया हूँ, जैसे कि पानी बोतल और मेरे साथ मेरे छोटे भाई लोग को लेके आया हूँ। आज मैं आपको पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस दिखाऊंगा। वैक्सीनेशन लेने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, ऐसे दिखाऊंगा। कितना टाइम लग रहा है वो सब दिखाऊंगा। आज मैं हाफ टी शर्ट पहन के आया हूँ, जिससे मुझे वैक्सीन लेने में सुविधा होगी। और मेरे भाई को लेके आया हूँ, जिसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाया ऑनलाइन में, क्योंकि आपको पता होगा स्लॉट कम था। देखता हूँ वॉकिंग वैक्सीनेशन मिलता है कि नहीं। मुझे पता है कि मिलने का चांस बहुत कम है, लेकिन ट्राई करते हैं मिलता है कि नहीं, इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। ठीक है, तब हम वैक्सीन सेंटर को जाते हैं और उधर का कुछ ब्लॉग बनाते हैं। यह होम्योपैथिक कॉलेज नया बाज़ार, देखिए इसका बाउंड्री कॉम्प्लेक्स। मेरा टाइमिंग था 11 से 1 बजे तक, अभी टाइमिंग हो रहा है 11:30। मैं अभी अंदर तरफ जाता हूँ और मैं वैक्सीन लेता हूँ। देखिए, मैं वैक्सीनेशन के लिए पूरा प्रिपेयर होकर आया हूँ, मास्क नहीं पहना हूँ। अभी गेट के अंदर मैं जाता हूँ और वैक्सीनेशन लेता हूँ। फाइनली मैं सेकेंड डोज वैक्सीनेशन ले लिया हूँ। अब तक कोई तकलीफ नहीं हुआ है, जैसे मुझे फर्स्ट डोज में कुछ तकलीफ हुआ था, सर चक्कर जैसे प्रॉब्लम हुआ था। अभी 5 मिनट करीब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको पता भी चलता होगा। देखते हैं रात को कुछ प्रॉब्लम बताए कि नहीं, आपको इसका डिटेल बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। मैं अभी वैक्सीनेशन ले लिया हूँ। मैं जिधर होम्योपैथिक कॉलेज वैक्सीनेशन लिया हूँ, और कॉलेज का आपको एक शॉर्ट टूर करा देता हूँ। उसका कॉलेज कैंपस में अभी हूँ और थोड़ा घूमता हूँ। ये देखिए कॉलेज, ये कॉलेज जस्ट पहाड़ी के पास में ही है। ए कॉलेज का सेकंड गेट, और पास में है आपका ओएसपी का मेन गेट। ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो ओएसपी का मेन गेट है। इधर मे भी मुझे एक पोखरी का लोकेशन मिला था, मे भी वो दूर में होगा, तब तक दिखाई नहीं दे रहा है। और कभी आने से आपको पोखरी भी दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, कॉलेज बढ़िया से दिखाई देगा। ये देखिए, ये कॉलेज होम्योपैथिक कॉलेज नया बाजार। अब मैं कॉलेज पूरा घूम लिया हूँ, वापस मैं घर जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। देखता हूँ वैक्सीनेशन लेने के बाद कुछ तकलीफ़ होता है कि नहीं। सुनने मुझे आया है कि सेकेंड डोज में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, फीवर रहता नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके लिए पूरा डिटेल बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है सेकेंड डोज लेने के बाद, ये आपको वीडियो में बताऊंगा। टाइम टू टाइम अपडेट भी दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ घर।
दोस्तों मैं इस रास्ते से आया था, वो देखिए आगे में होम्योपैथिक कॉलेज, जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो है होम्योपैथिक कॉलेज नए बाजार। ये है बंडोमंडा रोड, इस रोड से आप इधर जाने से आप बंडोमंडा कॉलोनी को जा पाएंगे। और देखिए उधर रेल भी जा रही है, आगे में ही आपका राउकला स्टील प्लांट। ये रास्ता आप साइड साइड जाने से आपको बंडोमंडा RS कॉलोनी आपको पड़ेगा। देखिए हरियाली खेत, देखिए इधर स्टील प्लांट राउरकेला, देखिए बकरी लोग घास खा रहे हैं। दोस्तों मैं भी घर आ चुका हूँ, अभी करीब 12:30 हो रहा है और इंजेक्शन लिया हूँ, उसी का कुछ साइड इफेक्ट या फीलिंग जैसे कुछ पता नहीं चल रहा है, तकलीफ भी नहीं हो रहा है। ये देखिए मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर मैं इंजेक्शन लिया हूँ, लेकिन देखिए अच्छा से मैं उठा पा रहा हूँ, अभी तक कोई दर्द जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। देखते हैं रात को कुछ दर्द होता है या सर दर्द होता है, आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग जो है आपको नेक्स्ट दिन अपलोड करूंगा। नेक्स्ट दिन कल का दिन जैसा चला गया है, कल 24 अगस्त में वैक्सीन लिया था, करीब 12:30 करीब मैं घर वापस आ गया था, लेकिन शाम तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन शाम करीब 7-8 बजे मुझे टेंशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डोज लेके घर आया था उस टाइम मुझे कुछ सर दर्द जैसे फील हुआ था, बॉडी पेन हुआ था, और रात में करीब 11-12 बजे हैवी हेडेक हुआ था। सो मेरा फैमिली लोग बोले थे कि 650 पैरासिटामोल खा लो, लेकिन मैं मना कर दिया था, लेकिन मैं खाली अमृत रंजन हेडेक के लिए लगाया था। इस बार सोच रहा था ऐसा कोई दिक्कत ना हो जाए, सो इसलिए मैं प्रिकॉशन पहले से ले लिया था। तो शाम को आके मैं नहाया भी था और इसलिए थोड़ा टेंशन था, लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं। तो मेरा बोलना है कि मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, तो अभी बुकिंग कीजिए या ऑफलाइन थ्रू में या ऑनलाइन थ्रू में बुकिंग कीजिए और सेकेंड डोज वैक्सीन लीजिए, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट टाइम लेने से कुछ ऐसे हेडेक होता है या सिर दर्द, बॉडी पेन होता है इस बार, लेकिन सेकेंड डोज लेने के बाद ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो आराम से आप लीजिए। तब आज का ब्लॉग में इतना ही था, तो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। दोस्तों आपको एक चीज़ बताने भूल गया था, आप वैक्सीनेशन लेने के बाद कभी मत सोचिएगा कि आपको कभी और कोरोना नहीं होने वाला है। वैक्सीन लेने के बाद आप 70-80% सुरक्षित है, इसका मतलब नहीं है कि आपको कभी कोरोना नहीं होगा, आपको हो सकता है, लेकिन वैक्सीन आपको सीवियर कोरोना जैसे हालत में नहीं लेगा। सो आप सभी इसके लिए प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, क्योंकि कोरोना हालत कभी कमा नहीं है और होने वाला है, थर्ड वेव आने वाला है, तो मैं भी प्रिकॉशन लूँगा, घूमूंगा विथ मास्क और थोड़ा देख के घूमूंगा, और जिधर जाऊँगा अच्छे से घूमूंगा। आप लोग भी इसके लिए प्रिकॉशन लीजिए, मुझे इतना ही बताना था, क्योंकि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हम लोग फुल वैक्सीनेशन ले लिए हैं और कभी कोरोना नहीं होगा, हो सकता है। तो इतना ही था, तो ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।